Dear students, greeting of the day and welcome to my channel OPPN Media. In this video, we are going to learn how to change direct narration to indirect narration. Dear students, direct narration and indirect narration को हम direct speech and indirect speech भी कह सकते हैं और या कभी कभी हम direct and indirect भी कह सकते हैं कि direct से indirect change करना. इसके अलावा कुछ किताबों में केवल narration के नाम से भी chapter का नाम दिया जाता है कि केवल narrations. तो इसका भी मतलब होता है कि हम इन चीज़ों को direct narration से indirect narration करना हम सीखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लें कि नैरेशन क्या चीज़ है. नैरेशन का मतलब कोई भी कथन या कोई भी वर्णन. इसी तरह से स्पीच का मतलब कोई भी स्पीच या कोई भी कथन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट नैरेशन और इनडायरेक्ट नैरेशन क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं. तो डायरेक्ट नैरेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है और उसी बात को हम बिल्कुल सेम उसी के शब्दों में, बिना शब्दों में कोई फेर बदल किए हुए, एज इट इज जब हम उसको बताते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट नैरेशन. जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए कि मेरा कोई दोस्त है और उसने मुझसे एक बात बोली थी कुछ दिन पहले कि मैं दिल्ली जा रहा हूं. अब उस बात को मैं आपको बताऊं तो मैं क्या कहूंगा कि उसने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं. ये उसका जो कोटेशन था, उसकी जो स्पीच थी मैं दिल्ली जा रहा हूं, वो मैंने आपसे डायरेक्ट बता दी. तो इट मीन्स दैट दैट इज डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नैरेशन. लेकिन अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे कि उसने कहा था कि वह दिल्ली जा रहा था. अब चूंकि बात पुरानी हो गई तो जो उसने कहा था मैं जा रहा हूं की जगह मैंने कर दिया वह जा रहा था, क्योंकि उसने अपने लिए बोला था मैं जा रहा हूं. लेकिन अब उस बात को जब मैं बता रहा हूं तो वो मैं नहीं हूं बल्कि वो मेरे लिए वह है, और वो बात पुरानी हो गई इसलिए है नहीं बल्कि था है. तो मैंने कुछ चेंजेस कर दिए कि उसने कहा था कि वह दिल्ली जा रहा था, दैट इज इनडायरेक्ट नैरेशन. कि मैंने उसके सीधे सीधे शब्दों को ना बोलकर उसके अर्थ को अब की सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने शब्दों में बोलकर उसको बताया, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नैरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखेंगे कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे नियम हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले एक बार उस पेज पर जाकर वो सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ लें जो मैंने इस नीचे लिंक दिया हुआ है. उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जो मेरी अपनी वेबसाइट openmedia.com पर है. उसमें मैंने सारे के सारे सीक्वेंस वाइज सारे रूल मैंने लिखे हुए हैं, और उसके साथ साथ जैसे आप उन्हें एक बार तैयार कर लेंगे, सारा मटेरियल आप तैयार कर लेंगे कि कहाँ क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, किस वर्ड को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, तो आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इसको आगे शुरू करता हूँ. एक एक पॉइंट को मैं लेके चल रहा हूँ. ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल के से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी यदि सेंटेंस होता है जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमा, आप ये देख रहे हैं, जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को लिखते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच होता है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखते हैं, और ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है डायरेक्ट नैरेशन या डायरेक्ट स्पीच. तो इसमें क्या है, डायरेक्ट स्पीच के हम मेनली दो भाग मान सकते हैं, डायरेक्ट नैरेशन के दो भाग हम मान सकते हैं. सबसे पहला भाग होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्ट देने वाला, सूचना देने वाला स्पीच. दूसरा होता है रिपोर्टेड. रिपोर्टेड का मतलब जो भी रिपोर्ट दी गई है, जो भी सूचना इसमें दी गई है वो ये है. तो रिपोर्टेड स्पीच हम कह सकते हैं फिर भी कि डायरेक्ट नैरेशन या डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम कॉमा बोलते हैं और इनको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं. इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टे, और चूंकि ये उल्टे लगाए जाते हैं दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इन्वर्टेड. ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, कुछ किताबों में इस पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा गया है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये यहां से लेके यहां तक पूरी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है. रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है सिर्फ हमारी ये, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि इन चीजों को बार बार मुझे बोलना पड़ेगा समझाने के लिए कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप ये बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम, जब हम रिपोर्टिंग, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहां से सब्जेक्ट में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। अब दूसरी जो सबसे पहला परिवर्तन आता है वो यहां पर आता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच को हमने सेज, यहां पर इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन आती हैं। कहां कहां पर परिवर्तन हो सकता है और कहां परिवर्तन नहीं हो सकता है ये आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच में यहां पर कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जस्ट लाइक ही सेज टू मी, ही सेज टू हिम, तब हम इस सेज को चेंज करते हैं। यदि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट लाइक केवल ही सेज है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहां पर सेज को सेज ही रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर हमने, क्योंकि ये एसर्टिव सेंटेंसेस बना रहे हैं हम, एसर्टिव सेंटेंस, तो हमने यह कंजंक्शन का प्रयोग किया दैट, लेकिन आगे जैसे हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे या और कुछ भी छोटे मोटे जो तरीके टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सब में हम दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ दैट के अलावा कुछ और भी कंजंक्शंस का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं चूंकि असर्टिव है हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लिया। इसके बाद एक और वर्ड होता है जो सबसे पहला वर्ड यहां पर आता है, जो यहां पर दे रखा है ही, ही को हमें क्या करना है, इसका पहला लेटर, इन जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस पहले लेटर को हम स्मॉल बना देते हैं, जैसे कि यहां एच है और मैंने यहां स्मॉल एच बना दिया। लेकिन यदि यहां पर कोई प्रॉपर नाउन होता, प्रॉपर नाउन आप समझते हैं किसी व्यक्ति या इस प्लेस का पर्टिकुलर नाम होता, जस्ट लाइक राम, श्याम, दिल्ली, श्याना, ETC, तो हम यहां पर इसको कैपिटल का कैपिटल ही रहने देते, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होती है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है भी कि जो ये टेंस है, ये सब्जेक्ट हमने ले लिया, सब्जेक्ट के बाद में ये रिपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मतलब यहां पर हमें टेंस देखना होता है। टेंस का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है हमारा रिपोर्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ चेंज करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, लेकिन इसको भी हमें देखना होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदला जाता बल्कि उसको एज इट इज ही रखना पड़ता है। कौन कौन सी कंडीशन है उसको आप समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलें या ना बदलें ये बात हमें कैसे पता चलेगी, ध्यान देंगे देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बताने के लिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच पर जाना पड़ेगा, कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता, और ये रिपोर्टिंग स्पीच यदि फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। फिर केवल यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है केवल तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। देखेंगे इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने तीन पॉइंट लिखे, तीन एग्जांपल लिखे। ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, ही विल से फ्यूचर इंडेफिनिट को दर्शाता है, और ही सेड ये पास्ट को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, केवल यहां पर आकर जो हमारे ये लगेगा कि प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है तब, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो अब हम दोबारा ऊपर आते हैं अपने पॉइंट पर कि ये हमारी प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, ही इज गोइंग
सॉरी ही इज डूइंग हिज वर्क, गोइंग नहीं, ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ये क्या है, राम विल से टू मी। चेंज करने का शुरुआत हम करते हैं, राम को हमने सबसे पहले राम लिख लिया, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन कहाँ था, रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें हमें चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो चेंज नहीं किया, अब यहां पर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, विल से टू को हम चेंज करते हैं विल टेल, विल टेल मी। ठीक है, अब आप ये समझेंगे कि यहां पर हमने विल से को विल टेल में कैसे चेंज कर दिया। देखो स्टूडेंट्स, इनके लिए अपने कुछ रूल्स हैं कि किसको किस तरीके से चेंज करते हैं, और वो आपको तैयार करना पड़ेगा, एक चार्ट दिया हुआ है, और वो चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, जो मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पर आप जाएंगे तो सारी जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए चाहिए आपको, वो उसमें आपको मिल जाएगी। और मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि इनको कैसे कैसे चेंज किया, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इस वीडियो को रोक कर एक बार वो सारे के सारे रूल्स पढ़ लें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मुझे विश्वास है आप इन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया, उसके बाद ही को हमने स्मॉल बना दिया। अगर यहां पर किसी का नाम या किसी स्थान का नाम दिल्ली राम अर्थात कोई भी प्रॉपर नाउन होता तो हम इसको कैपिटल का कैपिटल रहने देते। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये टेंस चेंज करना। टेंस चेंज करने का मतलब होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कॉम्बिनेशन को ही हम टेंस कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो इसमें हैज नॉट कंप्लीटेड है, अब इसको देखें कि इसको बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। पहले तो आप ये समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ये बात भी आपको चार्ट से ही मिलेगी, जो लिंक पर चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये बात बताएगी आपको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। देखते हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, विल से आया का मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, और ये बात मैं बता चुका हूं, यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, मतलब जो हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे वो भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या है ये, नेक्स्ट ही को हमने ही ले लिया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। फिर क्या करना है, सेड टू, सेड टू को देखेंगे, अगर ये सेड टू के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इसको चेंज नहीं करते, और ये भी समझ लें अगर टू होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, टू नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं है, और ऐसी कंडीशन में यदि टू ना हो या फिर ये कहें कि इसका ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेड को सेड ही रखते हैं, लेकिन चूंकि इसमें इसका ऑब्जेक्ट है तो हम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ठीक है, ही टोल्ड मी। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने यूज कर लिया दैट, दैट के बाद फिर वही कंडीशन है, एच को स्मॉल कर दीजिए, और यहां पर देखिए ये है हमारा टेंस। टेंस क्या है, वाज और डूइंग का जो कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, वाज और डूइंग मतलब आईएनजी आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हमें देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम उसको देखेंगे बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, जैसे मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में बदलना ही है। कंडीशन क्या है, फिर से मैं कई बार पहले रिपीट कर चुका हूं इसी बात को, फिर से मैं कर दे रहा हूं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये इसमें हमारी पास्ट टेंस में है, सेड को देखकर पता लग रहा है पास्ट टेंस में है, और यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो
टिड स्पीच का टेंस भी बदला जाएगा और ये आ जाएगा हैड बीन डूइंग हिज वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिनमें हम थोड़ा सा कुछ और भी आगे के रूल्स आपको बताएंगे। ठीक है,